नवंबर के महीने में आईपीओ मार्केट में जबरदस्त धूम रही है। आईपीओ के लिहाज से यह महीना मई के बाद से सबसे व्यस्त रहा है और आईपीओ निवेशकों के लिए आने वाला हफ्ता भी काफी मौके लेकर आने वाला है। अगले हफ्ते दो कंपनी धर्मज क्रॉप गार्ड और यूनी पार्ट्स इंडिया के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इन दोनों इशू के जरिए कंपनियां प्राइमरी मार्केट से करीब 1,100 करोड़ रुपए जुटाएगी। इन दोनों में ही प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से खुदरा निवेशकों को कम से कम 28,645 रुपए लगाने होंगे। दोनों इशू के तहत 50% कोटा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेगा। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% हिस्सा रिजर्व रहेगा। चलिए आज बात करते हैं धर्मज क्रॉप आईपीओ की, जिसका आईपीओ 28 नवंबर यानी सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। एग्रोकेमिकल कंपनी धर्मज क्रॉप का 251 करोड़ रुपए का आईपीओ है और ये 28 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। इस आईपीओ के तहत 216 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे और 35 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत जारी होंगे। इशू के लिए 216 से 237 रुपए का प्राइस बैंड और 60 शेयरों का लॉट साइज फिक्स किया गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 5 दिसंबर और लिस्टिंग 8 दिसंबर को है। नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल गुजरात के सायखा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और वर्किंग कैपिटल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में होगा। इसके अलावा कंपनी अपने कुछ कर्ज को चुकाने में भी इस रकम का इस्तेमाल करेगी। बता दें, धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। कंपनी B2C और B2B ग्राहकों के लिए कीटनाशकों, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और एंटीबायोटिक दवाओं जैसे एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन की एक विस्तृत चेन के निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कारोबार में लगी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के शेयर शनिवार को ग्रे मार्केट में 60 रुपए के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे, वहीं शुक्रवार को ये 55 रुपए के जीएमपी से 5 रुपए अधिक है। शेयर बाजार के जानकार भी अगले हफ्ते खुलने वाले इस पब्लिक इशू में भारी मांग की उम्मीद कर रहे हैं। मार्केट जानकारों की माने तो दलाल स्ट्रीट और कंपनी के विकास रिकॉर्ड पर पॉजिटिव सेंटिमेंट से ग्रे मार्केट प्रीमियम में और तेजी आ सकती है। वहीं पब्लिक इशू को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। पिछले 3 दिनों में धर्मज क्रॉप गार्ड आईपीओ जीएमपी 35 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया है। बता दें, मई के बाद सबसे अधिक आईपीओ इस महीने खुले हैं। अब तक 8 कंपनियों के 9,500 करोड़ रुपए के आईपीओ आ चुके हैं। मई में LIC और डिलीवरी समेत 8 कंपनियों के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के आईपीओ आए थे। इस महीने अब तक ग्लोबल हेल्थ, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ के जरिए पैसे जुटा चुकी है।